हाय गाइस, कैसे हैं सभी? हैप्पी संडे। तो गाइस सॉरी, मैं सोते सोते वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैक हेवीली पेन कर रहा है। क्योंकि अक्सर फिटनेस वीडियोस में जो कहते हैं ना, नेवर स्किप लेग डे, नेवर स्किप लेग डे करके, वो नेवर स्किप लेग डे करके वो ज़्यादातर सुनने के बाद मेरा भी मन किया कि आज आखिर में एक बार लेग का वर्कआउट कर ही लेते हैं करके, थोड़ा बहुत एक्सटेंसिव कर दिया तो बैक पेन आ चुका है। इसके लिए मैं रेस्टिंग पोजिशन में वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद था कि कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करे या डेवलप करे। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैं कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बयान दे चुके होंगे, फिर भी मेरा एक नज़रिया है ना, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए गाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक ही तरीका है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हम पे हमारे अंदर में, उस इनसिक्योरिटीज़ को किल करने से ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगा गाइस। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर इनसिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकता है, तो इनसिक्योरिटीज़ जैसे कि आप अपने लुक्स को लेकर, या अगर आपके पास सिर में बाल ना हो तो उसकी वजह से टेंशन होना, और बहुत ही पतले अगर हो आप तो उसको लेकर इनसिक्योर होना, तो ऐसे कई कमाई को लेकर होना, अगर कोई आपका मित्र आपसे ज़्यादा कमा रहा है तो आपको इस चीज़ में भी आपको इनसिक्योरिटी है कि आप उससे कम कमा रहे हो करके। तो ऐसे बहुत सारे कई इनसिक्योरिटीज़ हम डेवलप कर लेते हैं, जिसका वजह से ना केवल आपका मानसिक स्थिति को असर करता है, बल्कि आपका शारीरिक स्थल को भी असर करता है वो। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होंगे, कुछ भी हो इनसिक्योरिटीज़, जैसे कि लुक्स को लेकर हो या कुछ भी कमाई को लेकर हो, तो इन सारे इनसिक्योरिटीज़ को किल करने की कोशिश करिए। हर दिन जब आप सुबह उठते हो तो एक फ्रेश डे के तौर पर लीजिए, और अपना लाइफ रीस्टार्ट करने जा रहे हो ऐसा करके बिगिन करिए, और तपस्या करिए, योगा करिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करिए। तो इन सारे चीज़ों में आपका जो कॉन्शियसनेस है वो डिविएट करने की कोशिश करिए, और इन सारे इनसिक्योरिटीज़ को किल करने की कोशिश करिए, ये कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने सारे इनसिक्योरिटीज़ को किल करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, और आप ज़रूर जो भी आपका कारोबार या कुछ भी आप चला रहे हो, या कुछ भी किस्म की चीज़ आप करना चाह रहे हो, उसमें आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, यही मेरा मानना है गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, मैं जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लुक्स को लेकर अब मैं एक इनसिक्योरिटी बताऊंगा, जैसे कि अक्सर क्या होता है गाइस, हम एक्टर्स जैसे कि ऋतिक रोशन हो या शाहरुख खान हो या कोई भी हो, उन हैंडसम पर्सनैलिटीज़ को देखकर हम क्या हो जाते हैं, काश हम भी ऐसे दिखते, ऐसे करके हम ये एक इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं। ऋतिक रोशन को देखकर आप क्या सोचेंगे, बंदा कितना हैंडसम है करके। अब आपके मन में ये भी होगा कि क्यों हम ऐसे नहीं पैदा हुए करके। तो ऑल दीज आर इनसिक्योरिटीज़ गाइस, ये मैं कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं जब भी उठता हूँ सुबह तो अपना चेहरा को पहले जाके शीशे में देखकर कहता हूँ, कितना हैंडसम है तू करके। मैं खुद को ऋतिक रोशन के जैसा मानकर चलता हूँ, मतलब लुक्स के पर्सपेक्टिव में, तो खुद का मतलब मैं खुद को बहुत हैंडसम मानता हूँ। दैट्स बिकॉज सेल्फ लव करता हूँ मैं, दूसरों से ज़्यादा मैं खुद की इज्जत करता हूँ, खुद को खुद की जो प्यार है वो मैं हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सेल्फ लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट गाइस समटाइम्स। एट द सेम टाइम मैं हम्बल रहने की भी कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरों को मैं देखकर नीचा दिखाऊं, ऐसा नहीं है। मैं खुद को बहुत लव करता हूँ, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही हम्बल भी हूँ, हम्बल भी रहना पसंद करता हूँ एट द सेम टाइम। जैसे कि मैं अपने लुक्स को लेकर मैं हैंडसम नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को हैंडसम मान के चलता हूँ। तो यही एक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होने का नतीजा है गाइस। वो कैसे आया, मैं खुद बहुत ऐसे तपस्या करके मेरा मानसिक स्थिति को मैंने डेवलप किया है। अब मैं खुद को हैंडसम मानता हूँ, ये मेरी गलतफहमी हो सकती है, या मैं अपने डिल्यूशनल अंदाज में जी रहा हूँ, दैट डज नॉट मैटर गाइस। एट द एंड जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेरे को काफ़ी हद तक जो भी मैं इतनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ या करने जा रहा हूँ, उसमें मैं मेरे को बहुत हद तक मैं सफलता मिलती है सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे रखने के बाद। तो यही कहता हूँ गाइस, अपना सारा इनसिक्योरिटीज़ जो है वो आप किल करने की कोशिश करिए। ऐसे करने से आपको जो भी आपका पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप ज़रूर कामयाबी प्राप्त करेंगे, ये मेरा मानना है गाइस। अगर ये वीडियो में जो भी मैंने कहा है उसे आप सहमत करते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी डालिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। धन्यवाद। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे चेंज करने की कोशिश करिए। अगर जो चीज़ नेचुरल है उसको कभी बदलने की कोशिश करिए ना करिए। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आप पतले हो तो आप मोटे हो सकते हैं, जिम जाकर आप अगर हार्ड वर्क करोगे प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद, आपको ऑटोमेटिकली मसल गेन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। तो ये चीज़ आपके हाथ के अंदर में है, यूर इट्स अंडर योर कंट्रोल। जैसे कि मैं कहने का मतलब है, नेचुरल चीज़ों को मत चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे कि आपको आपके सिर में अगर वाइट बाल आ चुके हैं तो उसे डाई मार के कवर मत करिएगा, नेचुरल है, नेचुरल से आया है तो उसे वहीं छोड़ दीजिएगा। और जैसे कि अगर आपके पास बाल नहीं है, बाल झड़ चुका है,
तो आप ऑब्वियसली नेचुरल नेचुरल से जड़ा है, आपने हाथ से प्लाउ करके नहीं, प्लग करके निकाला नहीं है, तो इन चीज़ों को भी आप नेचुरली रहने दीजिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने की क्या ज़रूरत है? अगर अगर आप टकले हैं तो उसमें क्या है, कुछ बुरा नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं कम्प्लीटली टकला हो गया तो मैं ज़रूर हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसे ही नेचुरली दुनिया के सामने फेस करूँ करके, ठीक है। तो यही आपको एक कॉन्फिडेंस ले आना है। ऐसा नहीं कि आपके सिर में अगर बाल हो तो आप यू आर लेस कॉन्फिडेंट और यू आर लुकिंग वेरी बैड। उसमें भी आप नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल विन डीजल है या जेसन स्टैथम है, उनके पास भी सिर में बाल नहीं है, फिर भी वो बोल्डली उस अपीयरेंस को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि वो उसी बात का जो मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है करें। तो आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके हाथ में है उसे चेंज करने की कोशिश करिए, जो चीज़ नेचुरल से हो चुका है उसे चेंज करने की मत कोशिश करिए। धन्यवाद।